नमस्कार दोस्तों, फाइनली वो समय आ गया जिसका इंतजार दुनिया कई सालों से कर रहा था, कई वर्षों से कर रहा था। और दुनिया के तमाम थिंक टैंक ने कई बार रिपोर्ट छपा है कि जिस दिन एशिया में पाकिस्तान भारत में मित्रता हो जाए, जिस दिन एशिया में भारत चीन में मित्रता हो जाए, जिस दिन एशिया में शांति कायम हो जाए, उसी दिन यूरोप का पावर, पश्चिमी देश का पावर रातों रात एशिया शिफ्ट हो जाएगा। और जो यूरोप, अमेरिका, जो ब्रिटेन आज नया नया पॉलिसी लाता है, पूरे दुनिया को अपने सर पर नचाता है, बहुत जल्द वो अमेरिका के अलावा भारत करेगा, चाइना करेगा और एशिया करेगा। दोस्तों, इस तरह का रिपोर्ट कई बार आ चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 70 साल से हमेशा हम लोग एशिया में लड़ते रहे, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, कई बार सब में युद्ध हुआ। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह हो कि यूरोप वाले मजा उड़ाते रहे, अमेरिका वाले मजा उड़ाते रहे, हमें ही हथियार बेचा। दोस्तों, हम लोग को लड़ाया भी, हम लोग को हथियार ही बेचा, और हम लोग क्या किए, हम लोग पिछड़ते चले गए। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एशिया को हमेशा वो लोग गाली देता है, बोलता है कि एशिया में चाहे चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान है, सब गरीबों का मुल्क है, भूखों नंगों का देश है, यहाँ पे कभी शांति कायम हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे केवल युद्ध होगा और उसका मजा हम उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, फाइनली आखिरकार वो समय आ गया है, अब बहुत बड़ा शांति का माहौल खराब हो गया है। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान जैसा देश, दोस्तों पाकिस्तान जैसा देश से भारत का रिश्ता सुधरने वाला है। दरअसल भारत सरकार ने पाकिस्तानी पीएम, खासतौर पर इमरान खान को एक चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी में जो बात कहा गया ना, पूरे दुनिया भर का मतिया है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है, यूरोप में तहलका मच गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि ये क्या हो गया, अब दो दुश्मन दोस्त बन जाएगा तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का पता साफ हो जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने जो खासतौर पर इमरान खान को पत्र लिखा है ना, उससे आज तक खासतौर पर इतना बड़ा किसी को उम्मीद नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वही हुआ है। इतना ही नहीं, भारत का राष्ट्रपति भी पाकिस्तान राष्ट्रपति को बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है और चिट्ठी भेजा। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार यहाँ से नया युग का शुरुआत हो रहा है, नया युग शुरू होने वाला है। और आने वाले समय में भगवान न करे दोस्तों कुछ हो, खासतौर पर यही माहौल बना रहे, आप देखेंगे केवल 10 साल में जो भी एशिया खासतौर पर आपस में झगड़ता था, लड़ता था, देखेंगे सेम टू सेम दोस्तों यूनिटी एशिया में हो जाएगा। जिस प्रकार से आज से 70 साल पहले यूरोप में क्या था, यूरोप में तमाम देश लड़ता था दोस्तों, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों सब देश आपस में लड़ता झगड़ता मरता था, युद्ध करता था, लाखों लोगों को मारता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, यू कितना मिल है अभी, सब में कितना मिलनसार है, सब नेटो बन गया, सब एक साथ है, सब दुनिया पर राज कर रहा है। दोस्तों सेम टू सेम पल अब एशिया में आ चुका है, एशिया भी एक हो रहा है। दोस्तों ये इतिहास रच रहा है, देखिए अब जानते हैं पिछले एक महीना में क्या हुआ है, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था, पिछले एक महीना में वही हुआ है। 3-4 बड़ा दोस्तों कारनामा हुआ है। पहला कारनामा क्या हुआ, पहला तो पाकिस्तानी आर्मी, भारतीय आर्मी दोनों ने कहा कि हम लोग अब बॉर्डर पे फायरिंग नहीं करेंगे, हम लोग शांति रखेंगे, हम लोग कभी भी अब एक दूसरे पे गोलीबारी नहीं करेंगे। दोस्तों पहला तो दोनों का आर्मी, यानी कि भारत का भी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी भी बोल दिया। दूसरा क्या हुआ, पाकिस्तानी पीएम यहाँ तक बोल दिया कि भारत को हम पाकिस्तान होते हुए यूरेशिया, यानी कि यूरोप से लेकर एशिया तक, खासतौर पर इतना ही नहीं मिडिल ईस्ट तक हर जगह रास्ता देंगे, पाकिस्तान से भारत हर जगह घुसे। दोस्तों पहला ऑफर खासतौर पाकिस्तान पीएम ने बोला, इतना बोला कि हम लोगों ने जो अतीत में गलती की, हम लोगों ने जो भूतकाल में गलती की उसे माफ करे, हम लोग को जीवन दान दे, हम लोग मित्रता चाहते हैं, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों ये कौन बोला, पाकिस्तानी पीएम बोला। इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद उसका जो आर्मी चीफ है यानी कि बाजवा, दोस्तों उसने भी यही कहा, बोला कि हम लोग मित्रता चाहते हैं, जो भी गलती हमसे हुआ माफ करे, हम लोग यहाँ से नया युग शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ तक तो बात था ही, लेकिन हाल ही में पता ये चला है कि पाकिस्तान का एक टीम भारत के दौरे पा रहा है, पाकिस्तानी टीम खासतौर पे सिंधु जल समझौता के तहत भारत के दौरे पा रहे हैं और बहुत सारा मीटिंग करने वाला है। दोस्तों पहली बार खासतौर पे 2018 के बाद, 2019 के बाद पाकिस्तान के कोई टीम भारत आ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने में था ही, दुनिया में सदमा था ही। इतना ही नहीं, अब यहाँ पे घोषणा यह हुआ है कि बहुत जल्द भारतीय आर्मी पाकिस्तान की जंग पर उतरेंगे और SCO के तहत दोस्तों पाकिस्तान में एंटी टेररिज्म यानी कि आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज होगा। दोस्तों यहां तक खेल हो रहा था, दुनिया हैरान था ही, लेकिन अब की बार भारत सरकार ने ओपनली पाकिस्तानी पीएम को चिट्ठी लिख के पूरे दुनिया को चौंका दिया है और भारत के राष्ट्रपति भी दोस्तों चिट्ठी लिख के पूरे दुनिया को चौंका दिया। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार ये चिट्ठी क्यों लिखा है और इससे किस प्रकार से दुनिया में आज बहुत ही बड़ा माहौल खड़ा हुआ है, दुनिया हैरान है आखिरकार ये संभव कैसे है, आखिरकार दो दुश्मन खासतौर पर एक दूसरे को मारने या मरने पर तुला था, आखिरकार इतना अच्छा स्टेप कैसे उठा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं, देखिए आप जानते हैं इमरान खान अब की बार भारत से दोस्ती करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा लिया, अपने यहाँ तक सत्ता भी दांव पे लगा चुका है। और इसीलिए आप जानते हैं हाल ही में जब वो श्रीलंका गया था उस समय
भारत का जो एयर रास्ता यानी कि भारत का जो हवाई रास्ता है दोस्तों, हवाई रास्ता यूज किया था यानी कि भारत होते हुए श्रीलंका गया था। इतना ही नहीं, जब इमरान खान को कोरोना वायरस हुआ, सबसे पहले भारत सरकार ने ओपनली इमरान खान को बोला कि हम आशा करते हैं वो सही हो जाए, भगवान उसे जल्द ठीक कर दे, कोरोना वायरस से उसे मुक्त कर दे। दोस्तों ये हाल ही की घटना है। इतना ही नहीं, इमरान खान को भारत आज हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, खासतौर पर इमरान खान पर दया आ चुका है। जिस प्रकार इमरान खान रोता चिल्लाता है और भारत को मित्र बता रहा है ना दोस्तों, किसी को भी दया आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत ने चिट्ठी लिखा है, ठीक है, उसने कहा कि हम सबसे पहले तो 23 मार्च को पाकिस्तान का जो नेशनल डे होता है उस नेशनल डे को हम लोग बधाई देते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी लोग को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और दोस्तों मोदी जी ने यहाँ पे साफ कहा कि हम एक पड़ोसी देश होने के नाते, यानी कि भारत एक पड़ोसी देश होने के नाते पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं, बशर्ते पाकिस्तान सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए, खासतौर पर आतंकवादियों को ख़त्म करना होगा, आतंकवादियों को मिटाना होगा। इतना ही नहीं, आप लोग जो बार बार हमारे पीछे खासतौर पर खंजर भोगते हैं, दोस्त बना के छुरा भोगते हैं, उसे आप लोगों को ख़त्म करना होगा, आप लोगों को विश्वास पैदा करना होगा, तब जाके हम लोग अच्छा मित्रता कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई खोट नहीं है, हम जानते हैं पाकिस्तान कभी हमारा अभिनंगता, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी कभी हमारा था। यह अलग बात है, तुर्क से मुगल आया, सबको मार मार के सबको धर्म परिवर्तन करवा दिया और सब यहाँ पे बन गया, आप जानते हैं क्या है, और आज पूरी तरह से हिंदुस्तानी विरोधी हो चुका है। तो भारत साफ करना है कि हमें जितना प्यार भारत के लोगों से है उतना ही प्यार पाकिस्तानी लोगों से है, बशर्ते आप लोग गद्दारी मत कीजिए, धोखेबाजी मत कीजिए, बार बार धोखा देके जो पीछे से खंजर भोगते हैं वो बंद कीजिए, फिर मैं आपको मित्र मानूंगा और आपको हर सहायता दिलाऊंगा जो आप चाहते हैं, यहाँ तक कि आपको FATF में जो ब्लैक लिस्ट है वहाँ से निकलवाऊंगा, यहाँ तक कि आपको लोन चाहिए जो भी चाहिए सब कुछ मैं आपको दिलवाऊंगा, आपको खासतौर पर दुनिया में कोई दिक्कत नहीं होगा और आने वाले समय में पाकिस्तान का नाम सब जस्ते लेगा। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि आपके अंदर एक ही कमी है, वो है धोखेबाजी और गद्दारी और आतंकवादी का खेती करना, वो खत्म कर दीजिए। दोस्तों मोदी ने साफ कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपसे मित्रता अवश्य करूंगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं। इन सब के अलावा पाकिस्तान नेशनल डे पे भारत के राष्ट्रपति ने खासतौर पर पाकिस्तान राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखा, बोला कि हम भी शुभकामनाएं देते हैं, हम चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का रिश्ता सही हो जाए। आप बोलेंगे आखिरकार इसे एशिया का युग कैसे आने वाला है, क्या है जो एशिया में शांति होगा, इसे तो आम बात है। दोस्तों यहाँ पे आम बात नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। जब सामने से हम लोग को दिखाई दे रहा है पाकिस्तान को भारत बधाई दे रहा है, पाकिस्तान शांति चाह रहा है, तरह तरह की बातें हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। और आप देखेंगे तो सीरियल वे में हो रहा है। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में भारत और चीन का ऐसा हो रहा है दोस्तों, चीन ने तमाम गलती स्वीकारा है, अपने पीछे जाने का फैसला लिया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत से पंगा लेने से चीन बाहर जाने का खासतौर पे अब कोशिश कर रहा है और बोला भारत मेरा मित्र है। और हाल ही में क्या हुआ, पाकिस्तान से मित्रता हो रहा है, कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी का अहम योगदान है। और दोस्तों दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि पर्दे के पीछे रसिया बहुत बड़ा गेम खेल रहा है, रसिया अब एशिया को एक कर रहा है। दोस्तों ऐसा कौन बोला है, ऐसा दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि रूस के कारण से ही चीन पीछे गया और रूस ने ही चीन और भारत का रिश्ता सही करवाया। इतना ही नहीं, रूस के कारण से ही भारत और पाकिस्तान आज एक होने वाला है, अच्छा मित्र बनने वाला है। और कई सारे लोग बोला है कि यहाँ पे UAE का हाथ है, UAE सबका संबंध सही कर रहा है, कोई बोला है कि यहाँ पे सऊदी अरबिया का हाथ है। लेकिन दोस्तों जिसका भी हाथ है, लेकिन एक बात सत्य है, जिस दिन पाकिस्तान धोखेबाजी से बाज आ जाए और सच में दोस्त बन जाए, चीन दोस्त बन जाए, तो आप देखेंगे जो पावर अब तक एशिया खासतौर पर यूरोप के, जो पावर अब तक यूरोप और पश्चिमी देश में था, वही पावर केवल 5 से 10 साल में भारत और पूरे एशिया में आ जाएगा।